हेलो डियर स्टूडेंट्स, रेडिस क्लासेस 247 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स थ्योरम सीरीज। तो आज का थ्योरम नंबर 3 है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा कि थ्योरम नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो लाइन क्या करता है, दो लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट करता है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको, हम लोग गिवन में पहले लिखने की कोशिश करते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, लेट ए बी एंड सी डी लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, एट पॉइंट ओ पर क्या करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से मान लो कि एक लाइन है ए बी, ए और बी, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी के द्वारा, सी और डी कहाँ पे, ओ पर। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट की बात करते हैं तो ये वाला एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है 1 और 3, 2 और 4, क्या है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइए क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखने वाले हैं, टू प्रूव में कि एंगल हमारे पास 1 इक्वल टू होना चाहिए एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू होना चाहिए एंगल 4। यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो आपका बराबर होना चाहिए। प्रूफ में क्या करने वाले हैं, तो अभी आपको लीनियर पेयर का कंसेप्ट पता होगा, या तो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या लिखेंगे प्रूफ में, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो ये लीनियर पेयर से होगा। लीनियर पेयर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल एडजेसेंट एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। उसके बाद पहला इक्वेशन मान लीजिए इसको, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4 और 3 जो है ये स्ट्रेट लाइन सी डी पर हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो होगा 180 होगा। ये भी जस्ट लीनियर इक्वेशन हो जाएगा बच्चे, लीनियर इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब यहां से देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू क्या हो सकता है, LHS दोनों का देखिए RHS दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, 180 180 है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों बराबर हो सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, LHS RHS सबका बराबर है, तो LHS बराबर है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब यहां से सिंपल क्या करना है, 4 4 क्या जाएगा, कट जाएगा, 4 4 कैंसल आउट होगा, यहां पे बचेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यही तो प्रूव करना था। सिमिलरली आप लिख सकते हो, यहां पे सिमिलरली क्या लिख सकते हैं कि यहां से देख सकते हो, सिमिलरली हम लोग एंगल लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग हेंस कह सकते हैं, हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। आई होप ये आपको थ्योरम बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर से एक बार रिकैप करें तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्योरम क्या था कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता इस प्रकार से, तो इसका वर्टिकली अपोजिट आमने सामने वाला जो भुजा होता है, उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका थ्योरम था, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, इसमें लीनियर इक्वेशंस का इस्तेमाल कर लिए, लीनियर पेयर का इस्तेमाल कर लिए, जिसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं तो उसका सम 180 होता है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ कर दिए। आई होप बच्चे ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर और भी आपको मैथमेटिक्स का थ्योरम का सीरीज चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और अगर ये हमारा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।